Hello students, I hope you all are doing well in your studies. I hope you are doing your studies, but we can't put it on hold. हम अपनी studies को ऐसे नहीं छोड़ सकते. We have to continue our study. For class 6, we are starting from our chapter 1st. That is the plant and their parts. What is the how the plants and looks like their structure. What are the difference of plants? What are the parts of the प्लांट्स. प्लांट्स में क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है. दे हैव रूट्स, दे हैव ब्रांचेस, दे हैव स्टीम, लीव्स, फ्रूट्स. दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट मेक देयर फूड बाय देयर ओन. वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेशन और फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड द मिनरल्स दैट दे गेट फ्रॉम द roots. So first we learn about the various types of plant. Plant के differences, कैसे कैसे plants होते हैं, क्या उनकी qualities होती हैं, किस तरीके के वो looks like होते हैं, what are the examples of these plants. So first of all we talk about the tree. We all know that what is a tree, how a tree looks like. Trees में क्या होती है, trees have a long life. ट्रीज की लाइफ बहुत बड़ी होती है. और ट्रीज है वो वुडी हार्ड वुड. उनमें ट्रीज में क्या होती है, काफी हार्ड वुड होती है. जब हम अपने आसपास के ट्रीज देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोकोनट, बेनियन ट्री एंड नीम, मैंगो, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज. इनके फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, इनकी लीव्स अलग अलग होती है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. बट द मेकिंग ऑफ फूड प्रोसेसर दैट इज सेम फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रीज. ये ट्रीज क्या होते हैं, इनके लॉन्ग, इनकी लाइफ क्या होती है, बहुत लंबी होती है, काफी टाइम तक चलते हैं. दे कैन गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये अलग अलग चीजें हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. सो नेक्स्ट इज हर्ब्स. हर्ब्स क्या होती हैं, ये इनकी स्टीम्स क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, स्मॉल होती हैं. और इसके अलावा इनके जो प्लांट्स होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं. इनकी हाइट मोस्टली होती है 3 to 4 feet. कई बार ये प्लांट जस्ट 2 feet के भी होते हैं और कई बार ये प्लांट्स 4 to 4.5 तक भी पहुंच जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. मस्टर्ड सीड्स हमने देखे हैं कैसे होते हैं. अगर आपने कभी भी, इफ यू गो आउटसाइड, अगर आप फील्ड्स में गए हैं, आपने कभी भी कहीं भी लुकिंग लाइक देखा है, तो मस्टर्ड के सीड्स हमेशा क्या होते हैं, मस्टर्ड के जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा इतने ही होते हैं. जस्ट दे आर 3 to 4 feet. उनके प्लांट्स क्या होते हैं, 3 से 4 feet तक ही होते हैं. इसके बाद जब उनके सीड्स, उनमें सीड्स ग्रो करते हैं, फ्लावर जब उनका सीड्स का स्ट्रक्चर लेते हैं, तब क्या करते हैं, उस प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है. उसके बाद एक मिनिमम एज, एक मिनिमम टाइम पीरियड के बाद उस प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ रुक जाती है. जिसके बाद क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है. उसके बाद उस क्रॉप को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. इसके अलग से एग्जांपल और, जैसे भी हम कह सकते हैं वीट, गेहूं का पौधा भी बहुत छोटा होता है, हमने यूजली भी देखा है. अगर ये लॉक प्रॉब्लम ना होती, कोरोना की प्रॉब्लम ना होती, सो तो हम डेफिनेटली वी विल गो टू फील्ड्स. हम फील्ड्स में जाते, देखते कि कौन सा प्लांट्स कैसा होता है, किस तरीके से लोग कल्टिवेशन करते हैं, किस लोग तरीके से फार्मर्स हार्वेस्ट करते हैं, we will find out. But just because of this disease, we can't go outside. So you can search out. आप सर्च कर सकते हो कि कौन सा प्लांट कितना होता है, कितने फीट का होता है. इससे क्या होता है कि आपको एक, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपको एक नया चीज मिलती है. आप जब सर्च करते हो, आप जब देखते हो, तो क्या होता है कि आपका माइंड पावर भी इंक्रीज होती है और आपको नई नई चीजें सीखने को भी मिलती है. अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इज शब्द. शब क्या होती है, एक तरीके की झाड़ियाँ. झाड़ियाँ जो हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इसके जो प्लांट का साइज होता है वो क्या होता है, मीडियम होता है. और उसकी जो स्टीम होती है उसमें थोड़ी सी लकड़ी होती है. अगर हम रोज देखें, मोस्टली हम हमारे लोगों के घर पे क्या होता है, रोज का प्लांट होता है. अगर आप उसकी एक टहनी को, एक ब्रांच को तोड़ के रख देते हो कुछ दिन के लिए, वो ब्रांच क्या होती है, सूखती है. उसको सूखने के बाद जब आप तोड़ के देखते हो तो वो आपको एक वुडी स्ट्रक्चर मिलता है, उसमें आपको एक लकड़ी मिलती है. हाँ, अगर वो कच्ची है तो आपको थोड़े टाइम के लिए उसको रखना पड़ेगा,
क्योंकि जब वो क्या होती है, जब कोई भी चीज कच्ची होती है तो इतना उसमें वुडी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, जब आप उसको सुखाओगे उसके बाद आपको तोड़ के देखोगे तब आपको क्या होगा वो वुडी स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें एग्जांपल्स रोज, लेमन, लेमन का पौधा भी काफी बड़ा होता है लेकिन लुक्स लाइक कैसा होता है कि झाड़ी की तरह होता है। लेमन का जो प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, एक गोलाकार शेप में होता है, एक राउंड शेप में वो क्या करता है फैल जाता है। प्लांट जो रोज का होता है उसमें भी क्या होती है, जो उसकी ब्रांचेस होती है, इनकी ब्रांचेस क्या होती है नीचे से उगना शुरू होती है, ऊपर से नहीं, जस्ट दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द डाउन, वो नीचे से होना शुरू होती है, धीरे 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 वो क्या करती है ऊपर ऊपर होना शुरू हो जाती है और वो क्या करता है बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इसके लिए आपको इन प्लांट को क्या करता है थोड़ा थोड़ा टाइम बाद कट करना पड़ता है ताकि ये बहुत बड़ी झाड़ी का रूप ना ले सके। फोर्थ वन इज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। हमारे सबके घरों में क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं, वी ऑल सीन दैट बट वी नेवर लर्न अबाउट दैट। हमने कब हमारे पास तो वो चीजें होती है लेकिन हम क्या करते हैं उन चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। वी नेवर एवर कंसंट्रेट, वी नेवर एवर सीन दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हम उस चीज को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स जो प्लांट्स होते हैं वो एक जमीन पर, वो उनकी जो स्टीम्स होती हैं बहुत ज्यादा लाइट वेट होती है, यानी उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी चीज के सहारे पर ऊपर चढ़ सके। जैसे कि वाटरमेलन गार्ड, ठीक है, वाटरमेलन गार्ड, खीरा, इनकी जो बेल होती है, हम अपनी लैंग्वेज में अगर बोलें तो हम क्या कह सकते हैं बेल, ठीक है, जो इसके लिए प्लांट होता है, जो ये क्रीपर्स होती है वो क्या कहते हैं जमीन पर फैलती जाती है, इनमें इतनी पावर नहीं होती कि किसी चीज के सहारे ऊपर चढ़ सके। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर इनके इसके नाम में इसका डेफिनेशन है, दैट इज क्लाइम, जो कि क्लाइम करती है यानी किसी चीज के ऊपर चढ़ती है। क्लाइम मींस आप देख सकते हो क्लाइंबर्स, किसी चीज के ऊपर चढ़ना हमारे सबके घरों में होता है। एक प्लांट जो हमारे सबके घरों में होता है दैट इज अ मनी प्लांट। हम सबके घरों में यूजली हम देख सकते हैं कि मनी प्लांट डेफिनेटली फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर हाउस, अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए इंटीरियर डेकोरेशन, वी ऑल हैव मनी प्लांट। हम सबके घरों में क्या होता है मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट को आपने जब भी देखा होगा या तो किसी धागे के सहारे या किसी रस्सी के सहारे उसको क्या किया जाता है ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है, यानी ग्रोथ करवाई जाती है, या कोई स्टैंड लगाया जाता है लकड़ी का जिसके सहारे से वो प्लांट क्या कर सके ग्रोथ कर सके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे लुक्स लाइक होते हैं और कैसे वो रिएक्ट करते हैं। सो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम कह सकते हैं। प्लांट्स में क्या होते हैं फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स में लीव्स होती हैं, फ्रूट, स्टीम और रूट। सबका क्या होता है अलग अलग काम होता है। रूट का क्या काम होता है, रूट इज मेकिंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द वाटर। जो पानी हम प्लांट को देते हैं, जो मिनरल्स सॉइल से मिलते हैं, वो क्या करता है रूट किसको प्रोवाइड करता है स्टीम को। स्टीम जो एक तना होता है, एक सिंगल स्टीम, वो क्या करता है जितने भी मिनरल्स होते हैं, जो भी फूड होता है, उसको क्या करता है प्रोवाइड करता है पूरी ब्रांचेज में। ब्रांचेज में प्रोवाइड करवाने के बाद वही मिनरल्स, वही प्रोटीन्स, वही विटामिन क्या होते हैं हमारे फ्रूट्स में पहुंचते हैं और हमारे फ्लावर्स का कलर भी डिसाइड होता है फोटोसिंथेसिस और इसके अलावा किससे, जो मिनरल्स रूट से मिलते हैं। इसी से क्या होता है जो हमारे फ्लावर्स का कलर होता है, जो हमारे फ्रूट्स का कलर होता है, जो हमारे लीव्स का कलर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस के बेस पर होता है। इसमें क्या होता है कि जो लीव्स का कलर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सनलाइट एंड द प्रोसीजर ऑफ द मेकिंग फूड रूट्स। सो इसी की वजह से क्या होता है लीव्स का कलर क्या होता है ग्रीन होता है। अगर लीव्स का कलर धीरे धीरे या कुछ खराब हो रहा है, येलोइश हो रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मिनरल्स एंड फूड प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है वो या तो स्लो डाउन हो चुका होता है या जो विटामिन, जो प्रोटीन, जो मिनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं वो उसकी कमी हो जाती है उस प्लांट में। सो नेक्स्ट इज आर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम इज पार्टिकली डिफाइंड, यानी
The food root system is comprises into two types. Root किस किस में divided होती है? Tap root और fibrous root. Tap root में क्या होती है कि एक single root होती है. We can say that the primary root. वैसे रूट से अलग अलग छोटी छोटी रूट क्या होती है निकलती है. उन छोटी रूट का उन जो आप कह सकते हो कि अलग अलग जो लैटरल ब्रांचेस होती है उनका इतना कोई रोल प्ले नहीं होता है उस रूट में. लेकिन जो प्राइमरी रूट होती है दैट इज द मेन रूट. वो एक मेन रूट होती है. वही क्या करती है ऊपर की ओर उसका जो प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स होती है वो ऊपर की ओर ग्रो करती है. लेकिन जो वो रूट होती है वो डाउनवर्ड यानी सॉइल के अंदर क्या करती है ग्रो होती जाती है. और ये ग्रो होती है वर्टिकली. ये वर्टिकली ग्रो होती है आपके सॉइल के अंदर. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बॉल्सम. बॉल्सम अगर हम इसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो आप कह सकते हो गुलमेंदी. ये गुलमेंदी होती है. इसमें क्या होती है एक सिंगल रूट होती है और उसी से छोटी छोटी सिंगल रूट होती है उसी से क्या होती है छोटी छोटी रूट्स क्या होती है निकलती रहती है. वो रूट्स ज्यादा नहीं फैलती हैं. रूट फैलती है तो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी रूट होती है. अगर हम वेजिटेबल्स में एग्जांपल लेने जाएं इसका तो वेजिटेबल्स में आपकी कैरेट रेडिश ये क्या होती है टैप रूट का एग्जांपल है. इसमें भी आप सब देखते हो कि जब भी कैरेट होती है वो एक सिंगल होती है. आप उसे रूट वेजिटेबल भी कह सकते हो. कैरेट क्या होती है हमारी रूट वेजिटेबल होती है और एग्जाम्पल होती है टैप रूट का. टैप रूट मीन्स सिंगल रूट. एंड नेक्स्ट इज आर फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में क्या होता है कि एक क्लस्टर होता है. क्लस्टर मीन्स आप कह सकते हो एक रूट्स का एक गुच्छा होता है. पूरी रूट्स एक दूसरे से मिक्सचअप होती हैं यानी एक दूसरे के सहारे वो पूरी रूट एक दूसरे से कोई इस साइड से जा रही है कोई इस साइड से ग्रो होती है. यानी एक जो स्टीम होती है एक तने से बहुत सारी रूट्स निकलती रहती हैं और वो अपना रोल प्ले करती रहती हैं. अगर हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल शुगर केन में क्या होता है स्टीम एक ही होती है. उसी से क्या होती है लीव्स निकलती हैं जो उसकी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं. और अगर जब हम उसको कभी भी शुगर केन को डायरेक्ट सॉइल से निकालते हैं उखाड़ते हैं तो क्या होता है कि उसके नीचे एक गुच्छा होता है क्लस्टर ऑफ रूट्स होता है. वही उसकी रूट्स होती है. उसमें कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होती है. कोई भी अलग अलग सब रूट्स अलग अलग होती हैं. वो अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं. अलग अलग टाइप के मिनरल्स क्या करती हैं शुगर केन तक प्रोवाइड करती हैं. इसके बाद हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ रूट्स. फंक्शन ऑफ रूट्स में रूट्स क्या करती हैं फिक्स करती हैं प्लांट को. उसको क्या करती हैं रूट क्या करती हैं प्लांट को फिक्स करती हैं. उसको एक पोजिशन देती हैं खड़ा रहने के लिए. खड़ा रहने के लिए पोजिशन देती हैं. यानी स्टीम क्या होती है किसके सहारे खड़ी होती है स्टीम जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रूट. फुली प्लांट इज डिपेंडेड ऑन द रूट. इसके बाद अगर हम देखें कि सॉइल सिर्फ रूट ही है जो सॉइल को कंट्रोल करके रखती है. ना तो ये सॉइल इरोजन हो पाता है और ना ही कोई मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा सकती है. अगर रूट्स ना हो तो क्या हमारा प्लांट ग्रो करेगा? नो. अगर रूट्स ना हो तो क्या हमें फ्रूट्स मिलेंगे? नो. अगर रूट्स ना हो तो ना तो हमारा प्लांट ग्रो करेगा ना भी हमें कोई फ्रूट्स मिलेगा. इवन हमारा प्लांट जिंदा ही नहीं रहेगा. वो प्लांट कांट लिव विदाउट रूट्स. जिस हिसाब से हमारी बॉडी को हार्ट ब्रेन लंग्स किडनी इन सब की जरूरत होती है उसी तरीके से प्लांट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है रूट होता है. सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है रूट होता है. रूट क्या करता है स्टोरेज करता है फूड को स्टोर करता है. और क्या करता है एक प्रोसीजर करता है रेस्पिरेशन का. यानी जिसमें क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होती है और ऑक्सीजन एक्सहेल होती है. यानी ऑक्सीजन क्या करती है बाहर निकाली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है जिसके द्वारा क्या होता है प्लांट का फूड बनता है. जस्ट डिपेंड ऑन द रूट. तो हम कह सकते हैं कि रूट एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लांट का. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द शूट सिस्टम. शूट मींस आपकी इसमें क्या होती हैं स्टीम्स होती हैं ब्रांचेस होती हैं लीव्स होती हैं और द देयर आर सम नोड्स. नोड्स आर डिवाइडेड इन बड्स इंटरनल नोड एक्सिलरी बड टर्मिनल बड एंड
लेस्टर्स, बर्ड्स, बर्ड्स, स्कार्स। आप देख सकते हो कि जो स्टीम होती है वो हमारा मेन पार्ट होता है हमारे प्लांट का। हमारी जो स्टीम होती है इसी के सहारे क्या होता है, रूट होती है, रूट के सहारे हमारी स्टीम खड़ी होती है और स्टीम्स के द्वारा ही क्या होता है पूरा प्लांट ग्रो करता है। लाइक एज जो ब्रांचेस होती हैं, द लीव्स, द फ्लावर्स, द फ्रूट्स, दे ऑल आर एक्सर्टेड, दे ऑल आर कमिंग थ्रू आउट द स्टीम्स। स्टीम्स में हम देखते हैं कि जब भी जो भी ब्रांच होती है वो क्या करती है, ग्रो करती है वर्टिकली, या तो वर्टिकली ग्रो करेगी, लेकिन जो वर्टिकली ग्रो करती है तो क्या होती है, जब कभी भी वो डाउन साइड नहीं ग्रो करती, नीचे की ओर ग्रो नहीं करती, वो ग्रेविटी से दूर होती है। यानी जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है, अर्थ दे आर अपार्ट फ्रॉम द एंड दे आर ग्रो अबव बिलो द अबव द ग्रेविटी फोर्स, वो ग्रेविटी फोर्स से ऊपर की ओर जाती है। बिकॉज जो आपकी वुड होती है दैट इज सो लाइट, जो तो मोर लाइट देन द एनी अदर थिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो स्ट्रीम्स होती हैं इसमें क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड में क्या होता है कि जो इंटरनोड होता है वो हमारे जहां से प्लांट क्या करता है, जहां से जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, ग्रो करती है। जहां से आपकी प्लांट, प्लांट में क्या होता है, जो आपकी ब्रांचेस, जो आपकी लीव्स क्या करती है, ग्रो करती है। ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका क्या होता है, इंटरनल नोड। आप नोड, आप यूजली अगर आप बोलो कि नोड मीन्स एक चीज को बांधना, बांधना, यहां से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, उसका एक जोड़, एक कनेक्शन और एक बांधा हुआ कोई चीज, नोड मीन्स यही होता है। अगर हम अपनी बात में लैंग्वेज में बात करें तो ये जो कनेक्शन होता है इसके सहारे से क्या होती है, ब्रांचेस ग्रो होती हैं, जो लीव्स जुड़ी हुई होती है, मतलब ये नोड ब्रांच को और लीव्स को क्या करते हैं, स्टीम से जुड़े हुए रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एपिकल बर्ड की, जो बर्ड्स होते हैं टर्मिनल बर्ड, एपिकल बर्ड, बर्ड स्केल्स और लेंसल स्केल्स, ये बर्ड्स क्या होते हैं कि हमारे प्लांट को, जो हमारे प्लांट का टिप्स होता है, यानी यहाँ पर आप ये मान सकते हो कि यहाँ से कोई नई ब्रांच क्या करेगी, ग्रो करेगी, और अगर जब भी कोई ब्रांच टूटती है तो एक वहां पर एक, आप कभी भी देखोगे इस तरीके से एक नोड बन जाता है, एक नया नोड। जब वो सूख जाता है उसके बाद क्या करती है, एक नया कोई भी ब्रांच क्या करती है, वापस वहां से ग्रो करना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ एपिकल बर्ड्स। और जो बर्ड्स होती हैं यही डिसाइड करती हैं कि हमारा प्लांट कितना ग्रो करेगा। द प्लांट ऑफ आर, द हाइट ऑफ आर प्लांट इज फुल्ली डिपेंडेड ऑन द नोड्स। जो हमारे नोड्स होते हैं, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, इसी पे क्या करता है, एक प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है। और एक्सल, एक्सल्स होते हैं आपके एक टॉपिक, एक्सल, एक्सल जो हमारे जहां से क्या होता है हमारा, ये जैसा आप मान सकते हैं, अगर हम मैस में बात करें तो मैस में क्या होते हैं, एक्सेस बनते हैं, ठीक है, एक्सेस बनते हैं। यही एक्सेस क्या होते हैं आपके प्लांट्स में भी बनते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखो, दिस टाइप ऑफ एक्स, यहाँ देखो एक्सेस, तो क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के क्या होती हैं, एक्सेस बनती हैं। और इसी को हम अलग से क्या करते, कह सकते हैं, एक्सिलरी बर्ड, यानी जहां से जो चीज हमारा एक्सेस बनते हैं, जहां से प्लांट के स्टीम और ब्रांच के बीच में जो एक्सेस बनते हैं, जो ब्रांच और लीव के बीच में जो एक्सेस बनते हैं, इसे आप कह सकते हो एक्सिलरी बर्ड। तो ये अलग अलग टाइप में होते हैं, अलग अलग तरीके के बनते हैं एक्सेस। हम देख सकते हैं मैथ्स में भी अलग अलग तरीके के एक्सेस बनते हैं, और साइंस में अगर बात करें तो साइंस में ये किस में बनते हैं, प्लांट्स में बनते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका ट्रंक होता है, जो आपकी ब्रांच होती है, ये क्या होती है, वुडी होती है, ग्रीनी होती है और स्ट्रांग होती है। इन्हीं एक्सेस की वजह से आपकी ब्रांच, जो आपकी स्टीम की ब्रांच होती है, वो क्या करती है, ग्रोथ करती है और स्ट्रांग बनती है। और जिसके सहारे आपकी स्टीम क्या होती है, कवर होती है, दैट इज कॉल्ड बार्क। आपका जो बार्क होती है, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो कि एक पेड़ की शाल, पेड़ की शाल क्या करती है, व्हाट डिड शी डू, दैट बार्क डूइंग प्रोटेक्ट आर स्टीम, दैट बार्क प्रोटेक्ट आर ब्रांच।
किसी भी इंसेक्ट से या किसी भी तरीके से, वेदर से, क्लाइमेट से क्या करती है, जो बात होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपकी स्टीम को और आपकी ब्रांच को। स्टीम क्या होती है, इसी की वजह से क्या होती है, स्टीम काफी यंग दिखाई देती है और काफी सॉफ्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ स्टीम, फंक्शंस ऑफ स्टीम दैट मीन्स आपकी स्टीम क्या काम करती है और कैसे काम करती है। स्टीम की वजह से क्या होता है, आपका प्लांट क्या करता है, ग्रीनिंग दिखाई देता है। और स्टीम में ही क्या होता है, फोटो सिंथेसिस प्रोसेस चलता रहता है, जिसके सारे से क्या होता है, सनलाइट की वजह से और जो रूट्स से मिनरल मिलते हैं, इन्हीं मिनरल और सनलाइट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, फूड बनता है। फूड आप मान सकते हो एज ए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ विटामिन, जो आपके फूड जो आपके ट्रीज तक पहुंचता है, ब्रांचेस तक, लीव्स तक और आपके फ्रूट्स तक। नेक्स्ट इज स्टीम वेयर द वेट ऑफ ब्रांचेस। स्टीम क्या करती है, ब्रांचेस का वेट, ब्रांचेस का, लीव्स का, फ्रूट्स का, एक स्टीम ही क्या होती है जो सबका बार सहन करती है, दैट अ बियर ऑल द वेट ऑफ दीज थिंग्स। ओनली स्टीम कैन बियर ऑल द वेट ऑफ दीज थिंग्स लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सबका बार कौन सहन करती है, एक स्टीम ही सहन करती है। और स्टीम क्या करती है, जो पानी आप अपने इसके रूट्स को देते हो, इसके रूट से जो पानी होता है वो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से जो मिनरल्स होते हैं पानी क्या करता है पूरे ब्रांचेस में प्रोवाइड करवाता है, वह किसकी वजह से पहुंचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टीम। नेक्स्ट स्टीम क्या करती है, स्टोर करती है फूड। ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें क्या जैसे हम लोगों को डेली खाने की जरूरत पड़ती है, वैसे तो है नहीं कि प्लांट्स को जरूरत नहीं पड़ती। प्लांट्स को भी क्या होती है, जरूरत होती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, हमारी तरह वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, उनको भी सेंसेशन होती है। अगर हम उससे किसी भी तरीके का हार्मनेस करते हैं तो क्या होता है, हर एक प्लांट रिएक्ट करता है। We can't either see that, but a plant can react. A plant react that. तो क्या होता है कि जो स्टीम होती है फूड को स्टोर करती है, और वही फूड क्या होता है, प्रोवाइड होता है ब्रांचेस में, लीव्स में और फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। द फिफ्थ पॉइंट इज द स्टीम द होल लीव्स इन सच अ वे दैट दे कैन एक्सपोज टू मैक्सिमम सनलाइट। एक स्टीम ही होती है जो आपकी ब्रांचेस को और आपकी लीव्स को इतनी ऊंचाई तक और इतनी लेवल तक पहुंचाती है कि आपको क्या हो कि वो जो सनलाइट होती है, सनरेज होती है, वो इजीली और इन अ क्वांटिटी, एक प्रॉपर क्वांटिटी में, एक प्रॉपर समानता में क्या हो, वो आपकी ब्रांचेस को और आपकी लीव्स को मिल सके, ताकि एक प्लांट की लीव्स को मिल सके, ताकि क्या होता है कि वो फूड बना सके और अपनी लाइफ ग्रो कर सके। द सिक्स्थ वन इज द स्टीम आल्सो कंडक्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो स्टीम होती है ये रूट से और लीव्स से दोनों से क्या होती है, फूड गेन करती है, स्टोर करती है, नया खाना बनाती है और उसी हिसाब से क्या होती है, पूरे प्लांट को डिवाइड करती है। पूरे प्लांट को डिवाइड करने के बाद एक स्टीम क्या करती है, खुद को भी मेंटेन करती है और उसके बाद पूरे प्लांट को भी क्या करती है, मेंटेन करती है। तो स्टीम इज द स्टीम सिस्टम, रूट सिस्टम एंड फूड सिस्टम आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट।